क्या हो रहा है? रो रहे हो आप? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो वीडियो को देख के आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये किसी दूसरे डिवाइस से शूट हो रहा है। तो जी हाँ, ये गोप्रो से मैं शूट कर रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज का पूरा व्लॉग मैं गोप्रो से बनाऊँ, ठीक है। और मैं मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मन है देखने का कि भाई गोप्रो से बनाया हुआ व्लॉग कैसा लगता है। और अभी क्या है ना कि अभी हम लोग का टैली कोर्स चल रहा है डेली, जो कि 15 दिन तक चलेगा। तो उसके बीच हम लोग को मतलब सुबह से शाम हो जाता है कॉलेज में, तो इसके लिए मैं बाहर कहीं जा नहीं पा रहा हूँ घूमने के लिए। वरना मैं कोलकाता थोड़ा घूम के आप लोग को थोड़ा वीडियो बना के दिखा था। और फिलहाल तो यार सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं तो अभी कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। और यार कल मैंने और आशीष ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने फ्लैट में भगवान की मूर्ति और फ़ोटो वोटो लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज़ यार लगाना ज़रूरी होता है और थोड़ी सी श्रद्धा होनी ज़रूरी है, ठीक है। और हम लोग तो भाई भगवान को मानते हैं, मैं और आशीष मानते हैं, और इसलिए हम दोनों आज जाएंगे बाज़ार में, ठीक है, मूर्ति वूर्ति फ़ोटो वोटो ख़रीद के आएंगे और लगाएंगे। बिकॉज़ हम लोग के फ्लैट में एक भी भगवान की मूर्ति वूर्ति वो सब नहीं है, तो लगानी ज़रूरी। और बीच में हम लोग पूजा भी करेंगे, अगरबत्ती वगरबत्ती देंगे। तो देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं कौन से भगवान की मूर्ति है। मतलब मेरे को तो हनुमान जी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मेरे हनुमान जी। देखो मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को वो भगवान अच्छे नहीं लगते, सारे भगवान एक समान होते हैं, ठीक है। जय भोलेनाथ, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि मेरे पर्सनल फेवरेट मेरे हनुमान जी हैं और मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ। बिकॉज़ मेरे घर के बाहर ही हनुमान जी का मंदिर है घर के बाहर ही। तो ऐसे भी मेरे बचपन से फेवरेट मेरे हनुमान जी हैं, बाकी सारे भगवान ही अच्छे होते हैं। भाभी भगवान के बीच में मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मज़ा आ रहा है यार गोपुर को पकड़ने में। और अभी हम लोग जाएंगे मास्टर द सूर्यसेन मेट्रो स्टेशन, जो कि बांसद्रोणी इलाका में है। और खैर हम लोग तो ऑटो में जाते थे, लेकिन अभी 2 दिनों से ऑटो वालों की स्ट्राइक चल रही है। रीज़न क्या है मेरे को नहीं पता, किस लिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं नहीं पता। तो मतलब बहुत दिक्कत होती है यार मतलब लोगों को। तो ऐसे जो हाथ रिक्शा होता है ना, जो कि बांकुड़ा में जैसे मिलता है, ठीक है, हाथ रिक्शा मतलब जो पैडल से चलाते हैं, उसमें हम लोग जाएँगे, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। थोड़ा ज़्यादा पैसे लेते हैं वो लोग ऑटो वाले से। महानायक उत्तम कुमार में कृष्णा आएगा, तो कृष्णा के साथ हम लोग जाएंगे रविंद्र सदन, वहाँ से जाएंगे कॉलेज। तो बस यहाँ पे मेट्रो की ये राह देख रहे हैं, 5-7 मिनट के अंतर मेट्रो है। तो एक तो मेट्रो चली गई, हम लोग लेट हो गए थोड़ा, और दूसरी मेट्रो भी आ रही होगी। आज ब्लॉगिंग गोप्रो से हो रही है, तो काफ़ी अलग लग रहा है यार गोप्रो को हाथ में पकड़ना, अलग सा फीलिंग आ रहा है पूरा। अभी हम पुलिस कुछ बोलेंगे नहीं ना? क्या? नहीं, हाँ पता नहीं मेरे को कैसे पता। वही मेरे को डर है कि कोई कुछ बोल ना दे, यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। देखते हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो नहीं करेंगे भाई, है कि नहीं? वही लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, वही जो नियम कानून है वो पालन करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं अपने देश के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो तो मेट्रो के बाहर आ गए और हम लोग को अभी कितना 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना, कितना होता है 800 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। यहाँ पे कोलकाता में रहते हैं ना, हम लोग की आदत हो गई है पैदल चलना। बांकुड़ा में होता तो 200 मीटर के लिए भी हम लोग स्कूटी निकालते थे, लेकिन ये कोलकाता है बॉस, यहाँ पे आपको स्कूटी वूटी वो सब मिलेगी नहीं, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। A few moments later.
तो हम लोग कॉलेज के लिए जा रहे थे और रास्ते में देखो प्रथम भाई मिल गए और आकाश भाई भी मिल गए और भाई लोग हेलो बोल दो ब्लॉग में। हेलो गाइस। और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दे भाई, सब्सक्राइब करो भाई, पूरा सपोर्ट करो। क्या है सब्सक्राइब एकदम। हां भाई, और सबको बोल दे सब्सक्राइब कर भाई। हां ये कर लो पहले तो पूरा सपोर्ट किया जाए। पूरा सपोर्ट मेहनत कर रहा है अपना भाई, लाइक सब्सक्राइब और भाई को आगे बढ़ाना है। अरे भाई 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 मजा आया ना देखा पगले। चलो अभी चलते हैं वरना भाई हम लोग का टैली लास्ट मिस हो जाएगा। चलो चलो चलो, कितना बजे तेरा टैली? देर से डेढ़ बजे, डेढ़ बजे। चलो चलो ब्रो, मिलते हैं बाद में। ओके चलो। तो ये है फोरम मॉल, अपने कॉलेज के एकदम बाजू में ही है और अपने कॉलेज के बहुत सारे होनहार बच्चे यहाँ पे आते हैं क्लासेस बंक मार के, अड्डा मारने आते हैं इधर, और कृष्णा भी उनमें से एक है। सही बात, जस्ट जोकिंग ब्रो, हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता टैली क्लास, हम लोग टाइम ही नहीं मिलता। अभी हम लोग सुबह घर से 7:15 में कॉलेज। हाँ सुबह को, अच्छा हाँ भूल गया था, 7:15 में कॉलेज जाते हैं, फिर तब से हम लोग 10 बजे तक रहते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं, वापस 1:30 बजे में चलते हैं वापस। 1:30 बजे नहीं, 1:30 बजे हम लोग का टैली क्लास होता है, उसके बाद टैली क्लास चलता है 3 बजे तक, उसके बाद हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने, बिकॉज पढ़ाई इज नेसेसरी, जरूरी है। ये जो ऊपर भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज लिखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा, तो वो बीबीए वालों की कॉलेज है, बीबीए वालों का वो कैंपस है, मतलब अपने हिरन का कैंपस है वो, और हम लोग का कैंपस उसके पीछे साइड में। इधर जो आके मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, तो कॉलेज आ गई और मैं अपने कैमरे को भीतर रख देता हूँ सही सलामत। 2000 years later इतनी गर्मी में भी हम लोग चाय पी रहे हैं, इतना पसीना निकल रहा है फिर भी चाय पी नहीं हम लोग। शौक देख रहे हो, शौक लड़के लोग, शौक लव फॉर चाय। क्या लव फॉर चाय? लव फॉर चाय बड़ी बात। आपकी ओर से हमारे लिए गिफ्ट, इसका पैसा तो आप देने वाले हो, है ना भाई, है ना भाई, भाई अरे भाई इग्नोर मत करो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, थैंक यू भाई। अच्छा है भाई, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। थैंक्स टू कृष्णा। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। खाने कुछ भी हो सब अब, जब भूख लगती है ना तो जो कुछ भी मिले अच्छा ही लगता है, जब पेट में भूख हो तो। अभी देखो, अभी हिरेन मेरा वीडियो ले रहा है गोप्रो से, कैसा लग रहा हूँ भाई? मस्त लग रहा है। आज से हिरेन ब्लॉगिंग शुरू करने वाला है, क्योंकि हिरेन ने फायदे बहुत देखे हैं ब्लॉगिंग के। बहुत अच्छा लग रहा है सब ब्लॉग, पहली बार गोप्रो पकड़ के साथ में कृष्णा है। वाह, अभी हिरन ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, आज कौन सा डे भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? तो यार शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं और कृष्णा तो घर जा रहे हैं, लेकिन हिरन जा रहा है अपने ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन कहाँ पे भाई, तेरा बता दे थोड़ा जगह का नाम। शोभा बाजार। कहाँ? शोभा बाजार। ओ चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम मेरे कैंपस में बार बार आते क्यों हो? मैं तेरे कैंपस में बार बार क्यों आता हूँ? वहाँ पे भेलपुरी बेचते हैं ना अंकल, तो उनकी बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ब्रो हम लोग की आ गई मेट्रो, चल तेरी भी आ गई, चल तेरी भी आ गई। ट्रेन तो सीधी गड़िया जाएगी। हाँ गड़िया जाएगी, गड़िया गड़िया जाएगी। तेरे को कहाँ, सुबह बाजार जाना था? हाँ मेरे को सुबह है, कट कर रहा है। चल 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 चल, बाय 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 बाय। तो यार रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरे को अभी घर वालों की बहुत याद आ रही है। जब मैं घर पे रहता था ना, मतलब अभी 20 दिन जब भैया बाहर गए थे गुजरात, तब मेरे को लगता था यार कब भैया वापस आएंगे और कब मैं फिर से जाऊंगा कोलकाता। लेकिन मैं जब भी कोलकाता में रहता हूँ ना, मेरे को घर की बहुत याद आती है यार, मम्मी की, सबकी बहुत याद आती है। तो अभी वीडियो कॉल करते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। हेलो
हेलो केम करो रो भाई। बस मजा मा तुमने के में बधने ब्लॉग में आ रहे हो सब कोई। अच्छा मिही कैसी हो? ठीक हो? हाँ अभी जस्ट खाया मैंने खाना। तुमने खाया? हाँ मैंने अब खा लिया। थोड़ी देर में केमे दीदी बराबर एकदम बराबर है बस ठीक है। गर्मी केमी है? गर्मी तो यहाँ पे मतलब मत पूछो, चिपचिप वाली इतनी गर्मी है कोलकाता की। ठीक है बारिश का नामो निशान नहीं है। हो गया ठंडा मतलब वेदर अच्छा हो गया थोड़ा। वही तो देखते हैं अभी। मम्मी से बात कर। हाँ 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 दो दो दो। मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप तो अच्छे ही है। अच्छे हो आप? गुजराती में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप गुजराती में बात करी काय वांधो नहीं है। हाँ गुजराती आपड़ी क्या हो रहा है, रो रहे हो आप? ना ना नहीं रो रहे। चश्मे चश्मा खोलो। ना नहीं नहीं चश्मा खोलो एक बार देखने दो, मेरे को लग रहा है आप रो रहे हो। नहीं 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 रो रहे हो ना? हाँ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। डिनर कर लिया? खाना खा लिया? डिनर हो गया खाना खा लिया। अच्छा अच्छा बारिश हुई है इसलिए ठंडा हो गया है वेदर। हाँ यहाँ पे बादल तो गरज रहे हैं लेकिन बारिश नहीं गिर रही। कैसे ठीक खाना खाते हो ना? हाँ देखिए क्या लग रहा है, मोटा हो गया हूँ या पतला हूँ? वैसा ही। हाँ ऐसे ही हो वैसा ही हूँ। जैसे घर से भेजे हैं वैसे ही हो। नहीं आप लोग बताओ कि मैं कैसा हूँ। पहले थोड़ा मेरा वेट कम हो गया था लेकिन अभी ठीक है। यहाँ पे तो खैर वेट मशीन नहीं है, वो तो घर जाके पता चलेगा। हाँ लेकिन माँ को पता चल जाता है कि अपने बेटे की हालत कैसी है। हाँ माँ को पता चल जाता है। माँ को और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे की सेहत अच्छी हो वैसे ही चाहिए। ना ना बच्चे की सेहत अच्छी है तो क्या है ना कि हम लोग पता है हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, जब मतलब ऐसे ऑयली खाना फिर खा के पक जाता है ना तो हम लोग मिष्टी दोई जो मिलता है ना बंगाल में मिष्टी दोई, तो मिष्टी दोई और रोटी खा लेते हैं। अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। मेरे को आशीष ने सिखाया था कि भाई मिष्टी दोई और रोटी खा ले तब से मैं मिष्टी दोई रोटी खा लेता हूँ। श्रीखंड जैसा? हाँ श्रीखंड जैसा ही लगता है। हाँ श्रीखंड जैसा लगता है। ओ भाई केम छे? बस काका मजा में तुमने केम छे? ओ बराबर बेटा। हाँ ये देखो गोप्रो से वीडियो ले रहा हूँ आप लोग का, देखिए गोप्रो से वीडियो ले रहा हूँ। हाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गोप्रो? अच्छा गो गोप्रो 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 ठीक है ना? हाँ एकदम एकदम बढ़िया। भले मम्मी बाय। तबीयत में ख्याल रखो। हाँ बाय बाय बाय। चलो तो यार मैंने अभी जस्ट इस ब्लॉग की एंडिंग करी और एडिटिंग भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है अभी ऑलमोस्ट एडिटिंग हो गई है 90% और रात के भी कितने बज रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 3:45 बजने वाले। तो आज का ब्लॉग ऑलमोस्ट हम लोगों ने मतलब 90% गोप्रो से शूट किया था, तो गोप्रो से वीडियो शूट करना जितना ईजी होता है ना गोप्रो की फुटेज को एडिट करना फ़ोन में उतना ही ज़्यादा टफ होता है। ठीक है पहले गोप्रो से फुटेज लो फ़ोन में वो तो इतना टाइम लगता है, उसके बाद एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत का काम है। और यार देखो मेहनत करता हूँ। ठीक है रात के 2:45 बजे मैं एडिटिंग कंप्लीट करके भी सोने वाला हूँ, तो थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, तो मेरी मेहनत में थोड़ा सफलता मेरे को मिलेगी, ऐसा लगे कि भाई चलो मेहनत का फल मीठा हुआ। ठीक है तो जो भी हो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप कि आपको गोप्रो की क्वालिटी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर। बाय बाय।